लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने के बाद आज देहरादून में सलून, स्पा और छोटी नाई की दुकानें शर्तों के साथ खोली गई। राजधानी देहरादून में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक सलून और स्पा खुल सकेंगे। जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पीपीई किट पहनकर ही बाल काटे जाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सैलून संचालक भी प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए राहत की खबर आपको बता रहे हैं, तो राजधानी के लोगों को बड़ी राहत यहां पे सैलून स्पा खुलने से मिल रही है। लॉकडाउन 4 में जहां सभी को राहत मिली है, वहीं सैलून स्पा भी जो है खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्पा जो है काफ़ी पुराना स्पा है और लगभग 2 महीने के बाद जो है ये स्पा खुल रहे हैं। हमारे साथ जो है ये सैलून के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2 महीने बाद लगभग जो अब खुल रहा है, किस तरीके की आपको दिशा निर्देश DM की तरफ से मिले हैं, कैसे जो आप अब काम करेंगे? हम लोगों ने सबसे पहले तो सैलून को तैयारी करी है सारी, जितना भी सैनिटाइज वगैरह करा है, क्लीनिंग वगैरह की है। 1-2 दिन पहले ही हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो जो इंस्ट्रक्शन है वो सब हमने पूरे कर लिए हैं। मास्क लगाना है, आप अपने PPE किट पहननी है, ये सब चीज़ें हमने स्टाफ को प्रोवाइड कर दिया है। अभी 2 ही स्टाफ को अलाउ किया है और 3 ही क्लाइंट अभी हम एक टाइम में ले सकते हैं। अच्छा, 2 महीने बाद खुल रहा है, काफ़ी नुकसान भी आप लोगों को इससे हुआ है, क्या अब लगता है कि राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए भी? है बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अब जब सबके साथ ये प्रॉब्लम थी तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। स्टाफ को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी चलो अब खुला है तो अब धीरे धीरे अब सबका सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर तरफ उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी चीज़ें पटरी पर आएंगी, क्योंकि लगातार जो सैलून बंद थे लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं जो है सैलून के संचालक हैं उन लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो जो राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी लाभ मिलेगा और इन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि हाँ अब कुछ समय तक जो है सैलून में काम होगा, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ये लोग भी काम कर सकेंगे और तमाम जो गाइडलाइन जारी की है वो इनको फॉलो करनी पड़ेगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, R90।